ऑटो और बाइक की भिड़ंत में एक की मौत, पांच घायल। उमरिया जिला मुख्यालय से 7 किलोमीटर दूर NH 43 में अमहा फाटक के पास बाइक और ऑटो की भिड़ंत में एक की मौत, पांच गंभीर। जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद 2 लोगों को किया गया जबलपुर रेफर, जिसमें से एक की हुई मौत। उमरिया जिला मुख्यालय से 7 किलोमीटर दूर कोतवाली थाना अंतर्गत अमहा फाटक के पास NH 43 में सड़क हादसे में बाइक और ऑटो की जोरदार भिड़ंत होने से 6 लोग घायल हुए, जिसमें 2 हालत नाजुक होने के कारण प्राथमिक उपचार के बाद जबलपुर रेफर कर दिया गया। घटना को लेकर बाइक सवार घायल गोरेलाल वंशकार ने बताया कि हम लोग बाइक से आ रहे थे तो ऑटो वाले ने चमकाया, जिससे हमारी बाइक टकरा गई और हम 3 लोग घायल हो गए। हमको कौन लाया नहीं मालूम है। लगभग आधे घंटे अस्पताल में बाहर पड़े रहे, फिर हम लोग को भीतर ले लिया गया। क्या नाम है आपका? गोरेलाल। कहाँ के हैं? क्या कैसे एक्सीडेंट हुआ? वहाँ से गाड़ी आ रही थी, यहाँ से उधर जा रहे थे, वो ऑटो वाला चारों को ही चमका रहा। कितने लोग घायल हुए थे? हम लोग 3 लोग। 3 लोग थे। फिर यहाँ कैसे आए? हाँ, पता नहीं, ध्यान नहीं, लोग बगला ही थे। यहाँ कितनी देर तक बाहर पड़े रहे? कोई उठा के अंदर लाने वाला रहा क्या? काल के लोग 3-4 लोग आए, कर्मचारी वो लोग। कितनी देर बाद? आधा घंटा बाहर पड़े रहे आप लोग? थोड़ा सा 30-40 बाहर पड़े रहे सब लोग। हाँ, बाहर कोई छूने वाला नहीं रहा? कोई नहीं छूने वाला। वही घटना की सूचना मिलते ही जिले के कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव जिला अस्पताल पहुंचकर व्यवस्था बनवाए और घायलों का इलाज शुरू करवाकर दोनों गंभीर घायलों को तत्काल जबलपुर रेफर करवाए, जिससे कुछ दूर जाने के बाद एक घायल रामप्रसाद वंशकार की मौत हो गई। वही कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने दुख व्यक्त करते हुए बताया कि मोटरसाइकिल और ऑटो की भिड़ंत हुई है, काफी लोग घायल हुए हैं, जिसमें 2 की हालत गंभीर है, जबलपुर रेफर किया गया है, उम्मीद है उनका इलाज बेहतर होगा। मोटरसाइकिल की भिड़ंत हुई है, दुर्भाग्यपूर्ण है, इसमें काफ़ी लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 2 की स्थिति गंभीर होने से उन्हें जबलपुर भेजा गया है। प्राथमिक ट्रीटमेंट उनका यहाँ किया गया, उसके पश्चात उन्हें एम्बुलेंस से जबलपुर रवाना किया गया है। उम्मीद है कि वहाँ उनका इलाज बेहतर होगा और हमारे सभी लोग कुशल रहेंगे। वहीं जिला अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर प्रमोद द्विवेदी ने बताया कि अमहा के पास बाइक और ऑटो के रोड एक्सीडेंट में 6 लोग घायल हो गए, जिसमें से 2 की हालत गंभीर होने के कारण जबलपुर रेफर कर दिया गया है, बाकी 4 लोग का इलाज उमरिया जिला अस्पताल में किया जा रहा है। अभी अभी जिला चिकित्सालय उमरिया में ग्राम अमहा के समीप एक ऑटो एवं बाइक की दुर्घटना के पश्चात 6 लोगों को उपचार हेतु जिला चिकित्सालय उमरिया में लाया गया था, जिसमें से कि 2 की हालत अत्यंत ही गंभीर थी। उन दोनों मरीजों को मेडिकल कॉलेज जबलपुर के लिए रेफर कर दिया गया है एवं अन्य 4 मरीजों का उपचार अभी जिला चिकित्सालय उमरिया में जारी है। गौरतलब है कि कजलिया मनाने ऑटो चालक अपने परिवार को लेकर ससुराल जा रहा था और रास्ते में हादसे का शिकार होकर पूरा परिवार अस्पताल पहुंच गया। वहीं देखा जाए तो जिले का यातायात अमला अपनी मस्ती में मस्त है, जिसके चलते अनियंत्रित गति से वाहन चल रहे हैं और दुर्घटना का शिकार होते जा रहे हैं। विंध्य किरण के लिए उमरिया से सुरेंद्र त्रिपाठी की रिपोर्ट।